बच्चों आज हम पढ़ेंगे उर्दू कवायद क्लास 6। मेरा पसंदीदा उस्ताद इस पे मजबून। तो चलिए शुरू करते हैं। उस्ताद कौम का मेमार होता है। उस्ताद बच्चों के मुस्तकबिल की बुनियाद होता है, मुस्तकबिल की। जितना अच्छा उस्ताद होगा उतना ही अच्छे बच्चे बनेंगे। उस्ताद तालिब इल्म के जहन से जहालत दूर करता है और इल्म की दौलत से मालामाल कर देता है। मिसाली उस्ताद अपने फ़राइज़ को लगन से पूरा करता है, कभी अपने फ़राइज़ से मुँह नहीं मोड़ता। मिसाली उस्ताद अपने इल्म व फ़ज़ल को अपने तलबा में मुंतकिल करने में कामयाब होता है। अच्छा उस्ताद अपने तलबा के मसाइल और दुश्वारियों को जानता और उनको दूर करने की कोशिश करता है। मेरा स्कूल अच्छे औसाफ़ वाले असातिज़ा से भरा पड़ा है। तमाम असातिज़ा मेहनती और मेहनत करने वाले हैं। इन सब के बावजूद भी मुझे एक उस्ताद बेहद पसंद है। वो हमारी क्लास टीचर साहब हैं। वे मुझे अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। मेरे पसंदीदा उस्ताद का नाम जनाब मोहम्मद अजमल साहब। आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। सब बच्चे उनसे मोहब्बत करते हैं। वो हमें अपने मज़मून के अलावा दीगर मजामीन भी समझाते हैं। अजमल साहब वक्त के बड़े पाबंद हैं। हमेशा वक्त से पहले स्कूल पहुँचते हैं, क्लास में देर से नहीं जाते। तलबा को भी वक्त का पाबंद बनने की तरबियत देते हैं। बहुत मुनज़्ज़म मिजाज रखते हैं। नज़्म व ज़ब्त में रहना उनका जौहर। उनका कहना है काम के वक्त काम करो और खेल के वक्त खेलो। अजमल साहब बहुत मेहनती हैं। किसी चीज़ को समझाने में आलस नहीं करते। उनका पढ़ाने का तरीका इतना आसान है कि सभी को समझ आ जाता है। वह हमें अच्छी बातें भी बताते हैं। बड़ों का एहतराम करना, आज का काम कल पर ना छोड़ना, अपने पैदा करने वाले को पहचानना, वालदेन की फर्माबरदारी वगैरह का दर्स हमें देते रहे। वह हमें हुब्बुल वतनी ज़िम्मेदारी समझाने के बारे में अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। वो बाप की तरह शफीक हैं। वे तलबा में किसी तरह की तफरीक नहीं करते। वे मनसब मिजाज हैं। वो हमारे लिए अजीम नेमत है। अल्लाह हमें उनकी कदरदानी की सआदत नसीब फरमाए। तो ये था मेरे पसंदीदा उस्ताद पे एक मज़मून। अगर लिखने को आए तो इसी तरह आप लिखेंगे अपने जो आपके पसंदीदा उस्ताद हैं। अजमल साहब की जगह उनका नाम लिख देंगे। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगती हैं आपको हमारी वीडियो।